जय श्री राम भाई लोग। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है और आज का कुछ प्रोग्राम ऐसा है कि आज चलना है हमको सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि घाटशिला में चापड़ी एक जगह है, वहाँ चलते हैं हम लोग। चल के आज पूजा वूजा करेंगे वहाँ और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। भोलेनाथ का मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को लेके चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी सुरदा क्रॉसिंग पहुँच चुके हैं और ये रास्ता देख रहे हैं आप लोग दाहिना साइड। दाहिना साइड जाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, उसमें तो चापड़ी चल जाएंगे और ये रास्ता सीधा चल जा रहा है, मुसाबनी चल जाएगा। ये रास्ता सीधा से हम लोग आए, इधर से आए हैं, तो चलते हैं हम लोग दाया साइड का रोड पकड़ के। चापड़ी चापड़ी है और ये रास्ता इस साइड से आता है और ये रास्ता चल जाएगा जादूगोड़ा और ये सिद्धेश्वर मंदिर जाने के लिए रास्ता है साइड से। ये रास्ता ऊपर तरफ जा रहा है, चलते हैं ऊपर, चल के आप लोगों को भगवान का दर्शन कराते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी देखिए रास्ता चढ़ने के लिए, ऊपर पहाड़ चढ़ने के लिए रास्ता है। तो ये रास्ता ऊपर तक जा रहा है, ऐसे ही सीधा ऊपर तक चल जाएगा। तो चलते पहुँचते हैं ऊपर, ऊपर पहुँच के आप लोगों से फिर मिलते हैं। अभी हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, मतलब ये पहाड़ के ऊपर नहीं, शिव भगवान के पास में नहीं, अभी पहाड़ पर ही चढ़े हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाइक स्टैंड लगा हुआ है, बाइक भी यहाँ लगा देना है अपना और वो सामने में जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है। और ये सामने में एक छोटा सा होटल टाइप का बनाया हुआ है, यही लोग अपना बाइक भी देख लेता है। चलते हैं फटाफट ऊपर और ऊपर चल के भगवान का दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं और सामने में देख सकते हैं बोर्ड 370 मीटर यहाँ से दिखा रहा है, श्री श्री प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर जाने का रास्ता। और देख सकते हैं, चलते अभी यहाँ से, देख सकते हैं कैसा रास्ता है। अगर आप लोग आएंगे तो अपना साथ में पानी का बोतल ज़रूर ले लीजिएगा और अपना अपना सेफ्टी अपना हाथ में है, अच्छा से चढ़ना है ऊपर। धीरे धीरे चढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है चढ़ने का, जहाँ थक जाएंगे रुक रुक के आराम से चढ़ना है। बहुत बहुत मशक्क़त करने के बाद इतना ऊपर आदमी चढ़ा है अभी, और रास्ता देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है। चलते हैं ऊपर। देखिए साइड का जंगल उंगल कितना गजब है। चलते हैं ऊपर। देखिए अब मीटर कम हो गया, 235 मीटर। हे भोलेनाथ, बहुत ऊपर आ चुके हैं, सांस भी फूल रहा है। बहुत सावधानी से चलने वाला रास्ता है। आसपास देखिए, इधर अब 178 मीटर ही रह गया खाली। देख लीजिए, रास्ता तो है ही नहीं, ये रास्ता चढ़ के जाना है। बने रहिए, आगे चलते हैं। भाई सांस पूरा फूल गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, जाना है तो जाना है। ऐसे भी हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत दिन बाद आए हैं ना, इसीलिए हाँप रहे हैं बहुत ज़्यादा, सांस फूल रहा है। ठीक है, चलते हैं ऊपर, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट यहाँ पहले रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो जी भाई, अभी सब दर्शन करके जा रहे हैं नीचे, देख सकते हैं नीचे का इलाका। बस भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते रहना है, चलते चलना है। बस एक बार जहाँ ऊपर पहुँचे, सब दुख दर्द पीड़ा सब खत्म।
हे भोलेनाथ, हर हर महादेव। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब अचानक से रास्ता फिर से अब अलग हो गया। हो भाई, फाइनली 2000 साल पैदल चलने के बाद पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, और चढ़ के 2000 साल पार हो गया, पहुँचे हैं भगवान के पास। बस पहुँचने ही वाले हैं। पानी का बोतल अपना यहाँ रख के खड़े हैं, सांस ले रहे हैं। पहुँचते हैं वहाँ, पहुँच के आप लोगों को दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करेंगे। बहुत कोई आया हुआ है यहाँ, सब टूरिस्ट लोग हैं, सब आए हैं भगवान का दर्शन करने, ऊपर से पहाड़ का नज़ारा लेने। चलते हैं मंदिर के अंदर, चल के आप लोगों को भगवान का दर्शन कराते हैं, फिर चारों तरफ दिखाएंगे आप लोगों को। तो भाई जी, मंदिर के बाहर ये भी भगवान है, दर्शन कर लिए। चलते हैं मंदिर के अंदर, पूजा करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। अरे भाई, अपन पहले ही भगवान का दर्शन कर लिए। फाइनली फ्रेंड्स, पूजा हो गया है मेरा, देख सकते हैं आप लोग, और मंदिर से बाहर निकल गए हैं। परिवार बाहर से आप लोग चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। इधर फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसको इग्नोर कीजिए आप लोग, अभी इधर नहीं जाएंगे। देख लीजिए नंदी महाराज यहाँ। तो एक बार आप लोग इस साइड से पहाड़ के ऊपर से नज़ारा देखिए नीचे का, बहुत मस्त। नीचे से रास्ता है, वही रास्ता से नीचे से हम लोग आए, आप लोगों को दिखेगा नहीं रास्ता, बहुत नीचे है। और सामने आप लोगों को छोटा छोटा घर दिख रहा होगा, सोच लीजिए हम लोग कितना ऊंचाई पे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी उस साइड चलते हैं। यहाँ से देखिए, नीचे एक छोटा सा तालाब भी है, दिख रहा होगा। इतना अच्छा जगह है ना, यहाँ से जाने ही मन नहीं करेगा दोस्त, एक बार ज़रूर आप लोग आइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं अब नीचे। नीचे चलते हैं और आप लोगों को उतरते टाइम दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है, उतरने टाइम कितना सावधानी से हम लोग को उतरना पड़ेगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो बस नीचे उतरना चालू हो गए हैं। पहाड़ चढ़ने में जितना दिक्कत होता है ना, उतना उतरने में नहीं है। बस उतरने का टाइम ये है कि बस डाउन रहता है ना, तो डाउन में बहुत सावधानी से उतरना पड़ेगा। देख लीजिए अभी एयर पेच, देख लीजिए, थोड़ा भी पैर फिसलेगा सीधा नीचे है, इसलिए बहुत सावधानी से चलने वाला रास्ता है। आप लोग भी आइएगा तो खूब सावधानी से चलना है।
संभाल के चलना है। यहाँ आना है तो अपना पैर का ब्रेक शू चेंज करवा के आइएगा। लाना पैर का ब्रेक तो सीधा दक्षिण में, दक्षिण है इधर ही, दक्षिण ही है, गलत मत सोचना आप लोग। अब हम कंफ्यूज हो रहे भाई किधर से उतरे। देख लिए नीचे, एक से एक पैच है। चढ़ने टाइम तो फिर भी आदमी हाँफ जाता है, सांस फूलता है, लेकिन चढ़ जाता है, वेट आगे तरफ रहता है। इसमें क्या है, अप डाउन है, अप डाउन है तो वेट सीधा नीचे तरफ है। एकदम बहुत सावधानी से चलना है। अचानक से देखिए कोई रास्ता है, सीधा हाथ पैर का हड्डी और माथा से बात होगा गिरने से। उतरते हैं, बहुत धारदार रास्ता है। उतर रहे हैं हम लोग धीरे 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 धीरे। सब लोग, जितना आप लोगों को दिख रहा है सब टूरिस्ट, सब भगवान का दर्शन करके नीचे रिटर्न जा रहा है। हम लोग भी चल रहे हैं रिटर्न। बहुत अच्छा से भगवान का दर्शन हो गया। बहुत मेहनत है ऊपर चढ़ने में, लेकिन ऊपर पहुंच के अलग शांति है। सब दुख दर्द वहीं ख़त्म हो जाता है। उतरते फटाफट नीचे और फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। बस नीचे पहुंच ही गए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग मंदिर से उतर के नीचे आ चुके हैं। और आने के बाद देखिए आप लोग पहले बाबा जी का फ़ोटो देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग फ़ोटो में, वीडियो में आप लोग जो बाबा जी को दिखे, वो विनय दास जी हैं। और उनका उम्र कम से कम 100 के ऊपर होगा। अभी बगल में वो जो होटल है, होटल से बात करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो उनका मानना है कि जो सिद्धेश्वर बाबा का जो मंदिर है, उनका स्थापना विनय दास जी ही करवाए हैं। और सावन का महीना में आके पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, इसलिए वो हमेशा तैयार रह के पूजा नहीं कर सकते हैं। तो उनका उनका जगह गालुडी में है, रंगनी माँ का मंदिर है, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पूजा वूजा करते हैं और सावन का महीना में यहाँ आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।